हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी लड़की को आसानी से कैसे पटाएं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है आप ज़रूर किसी ना किसी लड़की को पसंद करते हो और उन्हें गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, अगर आप लड़की को पटाना चाहते हो तो उसके लिए बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता। जैसे कि अगर आप लड़की को पसंद करते हो तो कभी भी आपको उनके सामने अपनी फीलिंग्स नहीं दिखानी है, या कभी भी आपको डायरेक्ट उन्हें प्रपोज नहीं करना है। मतलब आप उससे प्यार करते हो, डायरेक्ट सीधा मुंह उठाया, उसको अपनी फीलिंग्स बता दी, ये गलती आपको नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप ये गलती करोगे तो इससे लड़की के नखरे और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये मोस्टली लड़कियों का नेचर होता है, उन्हें अगर पता चल जाए कि लड़का उन्हें पसंद कर रहा है तो वो उस लड़के के सामने और भी ज़्यादा नखरे दिखाने लगती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि लड़की रिजेक्ट भी कर सकती है। तो इसीलिए ठीक, आपको कभी भी लड़की को डायरेक्ट नहीं बोलना है कि आप उसे पसंद करते हो। अगर आप उसे पसंद करते हो तो आप धीरे धीरे जो है दोस्ती से हाथ बढ़ाओ, ठीक है। तो इससे ज़्यादा चांस होंगे कि वो आपको पसंद करेगी। इसके अलावा दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आपको कभी भी दिल की हेल्प, मतलब कि दिल से काम नहीं लेना, हमेशा दिमाग का यूज़ करना है। क्योंकि लड़कियों को ना हमेशा दिमाग से पढ़ाया जाता है, तो इसीलिए सही प्लानिंग और सही सोच का इस्तेमाल करना है किसी लड़की को अपने करीब लाने के लिए, ठीक है, उससे रिलेशनशिप शुरू करने के लिए। तो ये चीज़ आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है लड़की से नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सही प्लानिंग के लिए आप जो है उसके उसके बारे में अच्छी नॉलेज इकट्ठा करो, ये जानो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड कौन है, ठीक है, किन किन लोगों से बात करती है। तो उन लोगों के ज़रिए आप उससे एक तरह से बातचीत कर सकते हो, ठीक है, उनके टच में आ सकते हो, जिससे उससे उस लड़की से आपसे बात करने का मौका मिले। इसके साथ साथ नेक्स्ट चीज़ जो है, आप किसी लड़की की कमज़ोरी पता करके भी उसे अपने करीब रख सकते हो। जानते हैं एक नेगेटिव वे है, मतलब कि किसी लड़की को इनडायरेक्ट तरीके से ब्लैकमेल करना हुआ, बट ये काफ़ी ज़्यादा असर करता है किसी लड़की को आपके करीब रखने के लिए, मतलब कि आपके पास रखने के लिए, ठीक है। जैसे कि कोई पापा की भरी है तो उसे क्या, उसकी कमज़ोरी क्या है, उसकी कमज़ोरी है उसे पैम्परिंग की आदत है, ठीक है, उसे केयर चाहिए। तो अगर आप इसी तरीके से किसी लड़की की कमज़ोरी पता कर लो तो इससे आप काफ़ी हद तक उन्हें करीब रख सकते हो, उन्हें जल्दी से इम्प्रेस कर सकते हो। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि अगर आप उन्हें पटाना चाहते हो तो आप जो है उनके साथ में थोड़ी बहुत गॉसिप करके भी उनकी पसंद बन सकते हो, क्योंकि ये मोस्टली लड़कियों की सबसे पहली पसंद होती है, गॉसिप करना, इधर उधर की बातें करना, ठीक है। और अगर लड़की एक तरह से किसी दूसरी लड़की को भी देखे ना तो उन्हें उसके कमियां निकालना, उनके लिए उनके बारे में गॉसिप करना काफ़ी अच्छा लगता है। बट यहाँ पे मैं आपको गॉसिप करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस आपको करना यह है कि थोड़ा बहुत उनका गॉसिप करने में साथ देना है, जिससे आप उनका ट्रस्ट हासिल कर पाओ, ट्रस्ट जीत पाओ। और अगर आप उसका ट्रस्ट जीत लेते हो तो इससे उसे आपका साथ अच्छा लगेगा, उसे उसे बातें करना पसंद होगा, ठीक है, क्योंकि आपको भी वो चीज़ करनी अच्छी लगती है। तो इस काम से आप जो है उनके इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हो, जिससे उसे आपके साथ रहना अच्छा लगे। इसके अलावा लड़की को पटाने के लिए आप जो है अपनी बातों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बातों मतलब कि अपनी बातचीत करने के तरीके से, ठीक है, जब भी आप उससे बात करते हो या आपको उससे बात करने का मौका मिलता है तो आप उनसे बात करते समय उन्हीं की तरह बातें करो। मतलब कि जो बातें या जैसे टॉपिक्स पे बात करना उन्हें अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो उसे आपसे बात करना काफ़ी अच्छा लगेगा, उसका इंटरेस्ट आपको लेकर हमेशा बना रहेगा। तो इस तरीके से आप इन बातों का ध्यान रख के आसानी से किसी लड़की को पटा सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिले।